हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों कक्षा 12 चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी जो हमने कल चालू किया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा एक बार फिर से सूत्र फटाफट में याद दिला देता हूँ और सवाल चालू कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, सामयिक श्रेणी खुद नाम से खबर पड़ रहा है, समय के अनुसार बदलने वाली श्रेणी। यहाँ पर दोस्तों दो चल दिए जाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल ये चैप्टर नंबर 2 और 3 हमारा जो सहसंबंधांक और नियत संबंधांक था उसके जैसा सवाल है। परंतु इसमें जो सामयिक श्रेणी में समय यानी टाइम होता है, इसलिए इसके पहले चल को x के बदले t बोला जाता है। यानी पहला ब्रैकेट हमेशा t दिया होगा समय, दूसरा ब्रैकेट चल राशि होगा जिसे y कहते हैं। यहाँ दोस्तों झुकाव ज्ञात करने की 3 विधियाँ थी, उसमें अभी हम न्यूनतम वर्ग की विधि सीख रहे हैं। झुकाव ज्ञात करने की रैखिक समीकरण की विधि, कभी भी बोले रैखिक समीकरण बनाओ तो दोस्तों यही एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें रैखिक समीकरण बनता है, यानी न्यूनतम वर्ग की विधि। न्यूनतम वर्ग की विधि से झुकाव रेखा ज्ञात करने का सूत्र है वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। बी एक्स के बदले यहाँ पर हमको लिखना चाहिए वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। क्यों दोस्तों टी आप जानते हो बड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर टी है। दोस्तों तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी, वहाँ बी एक्स उसका सूत्र हमने बताया था कल याद हो तो, नियत संबंध रेखा का उसके जैसा वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। परंतु ये समीकरण कभी डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले हमेशा बी निकालना पड़ता है। बी ज्ञात करने का सूत्र एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। बी निकालने के बाद फिर बाद में ए निकालते हैं, ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। ए और बी का मूल्य जो भी आए इसमें लिखना है। बी ज्ञात करने का केवल और केवल एक ही सूत्र है, ए ज्ञात करने का एक ही सूत्र है, मतलब दो ही सूत्र याद करने से अक्खा चैप्टर का 5 नंबर निश्चित है आप लोग का। दोस्तों टी बार कैसे ज्ञात करते तो सिग्मा टी बटे एन, वाई बार कैसे ज्ञात करते तो सिग्मा वाई बटे एन। दोस्तों ये हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सूत्र है, इसी के आधार पर आज हम उदाहरण नंबर 3 चालू कर रहे हैं जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं निम्न जानकारी पर से झुकाव रेखा कोष्ठक में लिखा है न्यूनतम वर्ग की विधि बराबर से ज्ञात करो। न्यूनतम वर्ग की विधि झुकाव रेखा ज्ञात करनी है, आगे भी कुछ है लेकिन वो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें झुकाव रेखा ज्ञात करनी है न्यूनतम वर्ग की विधि से ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो दो ब्रैकेट दिए बड़ा, वो एक समय टी होता है और एक चल राशि वाई होता है। आप देख रहे हो समय लिखा है 2011, 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों ये जो समय दिया होता है ये हमको कोई काम का नहीं होता है, हमको ये ब्रैकेट बनाने का सही, लेकिन इसके बाद में हमको इसके बाजू में एक अपना नया ब्रैकेट बनाने का जिसका नाम होगा टी। खुद मन से देना है, टी की वैल्यू हमेशा 1 से चालू करें, 1, 2, 3, 4 और 5 सलंगी देने की बराबर। इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको इस नए टी से लेना देना है। तो ये टी है और ये चल राशि को वाई कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ष दिया इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमने जो नया ब्रैकेट बनाया टी उसका मतलब है। यानी बोर्ड में जब ऐसा सवाल दिया है तो आपको ये लिखने का, एक ब्रैकेट बना ही देने का, फिर बाद में ये लिखने का। अब बेटा पहले हमको टी बार और वाई बार निकालने का, टी बार ज्ञात करने का सूत्र सिग्मा टी बट्टे एन होता है। सिग्मा टी यानी इसको जोड़ लेने का टी को, टी को जोड़ा 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 5, 15 हो गया दोस्तों 15 बट्टे एन, यानी कितने वो लोगों ने 3 और 2, 5 है, 5 से भाग दे दिया, दोस्तों आ गया मेरा टी बार बराबर कितना आ गया 3। टी बार आने के बाद बड़ा वाई बार भी निकाल लेने का, पहले वाई बार ज्ञात करने का सूत्र में और आप जानते हैं सिग्मा वाई बट्टे एन। सिग्मा वाई यानी दोस्तों हमको वाई का टोटल कर देने का, वाई के जो मूल्य हैं उन सभी का मैं टोटल कर देता हूँ। दोस्तों क्या क्या है, 31 प्लस 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 44 आ गया दोस्तों 190। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों 190 बट्टे वाई का अवलोकन कितना है यहाँ पर 5 है, 5 से भाग दे दिया, 190 में 5 का भाग दिया 38 आ गया। दोस्तों इसमें कोई ऐसा नहीं है पहले जैसा कि वाई बार पूर्णांक है, वो सब नहीं देखना है। यहाँ पर केवल और केवल टी बार वाई बार निकालने के बाद हमेशा बी का सूत्र लगाएं, बी ज्ञात करने का सूत्र याद रखें, बी बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। देखते हैं अब डा इसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार हमको ब्रैकेट बनाने होते हैं। सबसे पहले एन चाहिए, एन यानी अवलोकनों की संख्या 5 है वो तो आ गई है। अब चाहिए सिग्मा टी वाई, सिग्मा यानी जोड़ होता है तो हमको टी वाई चाहिए। टी वाई यानी कोई बच्चे को भी मैं अगर दे दूँ तो उसको समझ आ जाएगा टी वाई कैसे निकालते हैं। टी वाई निकालने के लिए टी है ये वाई है, दोनों का गुणा कर देने का, 31 एकम 31, 35 दूनी 70, 39 तिया 117,
इकतालीस चौक 164, 44 पंचे 220, सबको जोड़ लेने का बेटा। चलो जोड़ लेते हैं, किस किस को जोड़ना है अपने को। 31 प्लस 70 प्लस 117 प्लस 164 प्लस 220, जो भी आया दोस्तों 602 उत्तर आ गया मेरा। ये मेरा सिग्मा टी वाई आ गया। अब मुझे सिग्मा टी वाई मिल गया, सिग्मा टी यानी टी का जोड़ वो मैं निकाला हुआ है, यहाँ पर 15 आ चुका है। सिग्मा यानी वाई यानी वाई का जोड़ वो भी आ चुका है 190 यानी ऊपर का, तो ब्रैकेट पूरा हो गया। एन अब नीचे आ रहे हैं, एन यानी अवलोकनों की संख्या 5 निकाली हुई है। सिग्मा टी स्क्वायर यानी जो टी है इसका स्क्वायर कर देने का, ये टी का स्क्वायर करने का। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, इनको सबको जोड़ देने का। 25 और 25 50 और 5 55 आ गया, सिग्मा टी स्क्वायर आ गया 55 हो गया। माइनस का माइनस, सिग्मा टी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये सिग्मा टी का होल स्क्वायर यानी क्या होता है, सिग्मा टी का होल स्क्वायर यानी जो सिग्मा टी तुम्हारा जो आया है उसका वर्ग लिखना है, यानी 15 का वर्ग 225। सब हो गया ब्रैकेट, अच्छी बात है। देखो कई बार तो कितने ब्रैकेट थे, यहाँ तो 2 ही 3 ब्रैकेट में काम हो गया। खाली मूल्य लिखो, चलो मूल्य लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या मूल्य है, पहले एन का मतलब कितना है 5, सिग्मा टी वाई का जोड़ कितना आया 602 माइनस सिग्मा टी यानी टी का जोड़ कितना है बेटा 15, सिग्मा वाई वाई का जोड़ कितना है 190 बटे एन यानी अवलोकनों की संख्या 5, सिग्मा टी स्क्वायर यानी ये लिखने का 55 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो सिग्मा टी कितना है 15, ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर में अंतर है, ये खाली टी स्क्वायर है, ये सिग्मा टी का होल स्क्वायर है। तो ये 15 का वर्ग करा, 15 में 15 का गुणा कर दिया 225 हो गया, गुणा कर दिया 5 का इससे गुणा किया बेटा 3010 आया। माइनस 15 का और 190 का गुणा कर लेता हूँ मैं, 15 × 190 आ गया दोस्तों 2850 बट्टे 5 का इससे गुणा किया 275 माइनस 225। दोस्तों 3010 में से 2850 घटाया 160 बट्टे, इसमें से इसको घटाया 50, भाग दे दिया कितना आ गया 3.2 बी आ गया, बी आया। अब बड़ा खाली ए निकालने, सवाल पूरा होने वाला है। ए निकालने का सूत्र है ए बराबर, सूत्र याद करें, वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार कितना है यहाँ पर देख लिया आपने, वाई बार कितना है बड़ा 38 माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 3.2, टी बार कितना निकाला आपने ने बड़ा 3, 38 माइनस 3.2 3 का गुणा किया 9.6, 38 में से 9.6 घटाया बेटा अपना आ गया 28.4। ये क्या आ गया अपना ए आ गया, बी आ गया। अब ए और बी दोनों का मूल्य झुकाव रेखा में लिखेंगे, अंत में आप जगह में थोड़ी बचा रहा हूँ क्योंकि पेज पलटूंगा आपको नहीं समझ पड़ेगा, इसलिए लिखने का झुकाव रेखा। झुकाव रेखा ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपने सीखा, वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। वाई कैप बराबर ए की वैल्यू कितना है बेटा 28.4 प्लस बी की वैल्यू 3.2 और टी की जगह पहले क्या लिखने का टी। अगर दोस्तों झुकाव रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो ये यहाँ पर पूरा हो गया। आगे अभी और कहा है वर्ष 2017 के लिए अनुमान ज्ञात करो। अब ये वर्ष 2017 का कैसे अनुमान आता है तो समझने का, वर्ष 2017 के लिए टी बराबर कितना वो अपने को सोचने का। तो दोस्तों 2015 के लिए मैंने टी 5 लिया है तो सीधी बात है 2016 के लिए 6 आएगा, तो मुझे 2017 के लिए कितना आएगा अपने आप सोचे तो, यस कितना आएगा बेटा 7 आ जाएगा। कोई बोले 18 के लिए कितना आएगा, तो भाई 17 के लिए 7 तो 18 के लिए 8, यानी इस समीकरण में टी की जगह 7 लिखने का। वाई कैप बराबर 28.4 प्लस 3.2, टी की जगह कितना लिखा 7, 28.4 प्लस दोस्तों 3.2 और 7 का गुणा किया, 3.2 × 7 कितना आ गया बेटा मेरा 22.4, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 50.8। दोस्तों वाई में जो भी उत्तर आए यहाँ पर देखने का, यदि लाख हो हजार हो टन हो जो लिखना जरूरी है तो लिख देने का लाख रुपए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड, सरल मेथड है ये, आज आपको घर काम में कुछ भी नहीं है। हाँ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यही का यही सवाल
आपके पास जो मैंने बुक पीडीएफ भेजी हुई है उसमें भी आप इसे देख सकते हो, और नहीं तो मेरे इसको एक बार ब्रेक करके आप फोटो देख पाड़ कर देख सकोगे। दोस्तों इसी सवाल को हमको प्रैक्टिस करना है, मैडम को नहीं भेजना है होमवर्क कोई भी, कल दोस्तों नया आएगा। दूसरी बात दोस्तों, सोमवार से हमारे पटेल सर के इकोनॉमिक्स और बीए के लेक्चर्स चालू हो रहे, दो विषय तो चालू ही थे, इको और बीए भी चालू हो रहा है दोस्तों आपका, यानी चिंता मत कीजिए, भले स्कूल ट्यूशन कभी भी खुलेगा, हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर है दोस्तों चालू है और चालू ही रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर रहिए, सवाल समझ नहीं पड़ता है, आप मुझसे पर्सनली मिलने क्लासेस पे आ सकते हैं, 2 बजे से 7 बजे तक मैं रहता हूँ बड़ा, आपको कोई डाउट है कुछ भी है तो आप ज़रूर आइए क्लास पे या कॉल कीजिए मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स।